CSS के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं CSS के एनिमेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो है एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन फिल मोड, एनिमेशन प्ले स्टेट। ठीक है, अब आइए हम इसे एक एक करके समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है CSS में। तो इसको समझने के लिए मैंने ये वाला डिब बना लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो डिब है इसमें हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले की फ्रेम बना लेते हैं, और की फ्रेम बनाने के लिए हमको लिखना होगा @, और यहाँ पर लिखेंगे की फ्रेम, और यहाँ पर आपको कुछ भी नाम ले लेना है। जैसे हम ले लेते हैं एनिमेशन। अब यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर परसेंटेज सेट करना है कि आपको किस परसेंट पे क्या करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देते हैं 0%, और ये जो 0% है ये 0% में हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी चेंजिंग ना हो, क्योंकि हम इसमें बॉर्डर रेडियस को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बॉर्डर को ही टारगेट करेंगे, यानी बॉर्डर रेडियस को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, और इसमें हम लेंगे 0। ठीक है, क्योंकि हमको इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। अब हम चाहते हैं कि जब ये 100% पर आ जाए तो इसका बॉर्डर रेडियस 50% हो जाए। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पर 100%, और इसको हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 50% का। ठीक है, सेव करेंगे इसको। ये हमारा बन गया की फ्रेम। अब हम लगाते हैं एनिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनिमेशन नेम, और यहाँ पर आपको ये नेम में यही वाला नाम देना है जो आप की फ्रेम में ले रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एनिमेशन नेम में एनिमेशन, सेव करते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें आप एनिमेशन लग गया है। ठीक है, लेकिन इसको चलाने के लिए हमारे पास जो इसका अगला वैल्यू है वो है एनिमेशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि आपको एनिमेशन कितना देर तक चलाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन, और हम इसको रखते हैं 2 सेकेंड तक। ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एनिमेशन लग गया है और वो 2 सेकेंड तक लगा है। ठीक है, हम इसको दोबारा से सेव करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 2 सेकेंड तक ये एनिमेशन चला है, लेकिन ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही बार चला है। ठीक है, तो हम इसको चाहते हैं कि 3 बार चलाने को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको कितना बार एनिमेशन को चलाना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3। सेव करते हैं इसको। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 बार चला है। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा बार चलाने को। ठीक है, तो हम जितना बार चलाना चाहते हैं यहाँ पर उसका वैल्यू दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कभी बंद ही ना हो, ये हमेशा चलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू देंगे इन्फिनाइट का। सेव करेंगे इसको, तो ये चलते रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अब बंद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब ये एनिमेशन चल रहा है और इसका जो बॉर्डर रेडियस 0 से 50% तक आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें स्मूथनेस है। ठीक है, लेकिन जब ये 50% से 0 की तरफ जा रहा है तो ये पूरा झटके से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें भी स्मूथनेस आ जाए। ठीक है, ये भी पूरा एनिमेशन की तरह ऊपर जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अगला वैल्यू है एनिमेशन डायरेक्शन का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 वैल्यू है इसका। सबसे पहला है अल्टरनेट, हम इसको अल्टरनेट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट जैसे मैंने किया ये दोनों में एनिमेशन आ गया। ठीक है, जब ये 0 से 50 की ओर आ रहा है इसमें भी स्मूथनेस है, और जब ये 50 से 0 की ओर जा रहा है इसमें भी स्मूथनेस है। ठीक है, इसका जो दूसरा वैल्यू है वो है नॉर्मल। नॉर्मल आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट था जिसमें झटका आता है। ठीक है, अगला है रिवर्स। रिवर्स में ये बिल्कुल उल्टा जाएगा। ठीक है, यानी कि झटका शुरू से आएगा और 50% से जब ये 0 की ओर जाएगा तो ये स्मूथनेस में जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें एनिमेशन होगा। ठीक है, और अगला है अल्टरनेट रिवर्स का। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों ओर से एनिमेशन रहेगा। ठीक है, 0 से 50 तक भी और 50 से 0 तक भी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये एनिमेशन के साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो। ठीक है, जैसे ये जो 0 से 50% तक आता है तब इसका कलर रेड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 100% वाला जो मैंने की फ्रेम लगा रखा है, यानी कि ये 50% वाला रेडियस। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर रेड। इसको सेव करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, जब ये 50% रेडियस तक आता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, जब ये 0 की ओर जाता है तो इसका कलर व्हाइट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कलर व्हाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो इसमें जो अगला प्रॉपर्टी है एनिमेशन डिले का, उसका क्या मतलब है कि एनिमेशन कितना देर बाद शुरू करना है। ठीक है, तो हम इसमें इसका प्रॉपर्टी लगाते हैं एनिमेशन डिले का। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको रखते हैं 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि एनिमेशन 2 सेकेंड बाद शुरू होगा। हम पहले इसको काउंट को हटा लेते हैं, इसको हम करते हैं 3। अब इसको सेव करते हैं। तो अब आपने देखा कि ये 2 सेकेंड बाद शुरू हुआ है। ठीक है, अब जो इसमें अगला प्रॉपर्टी है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के जैसा। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही सारा वैल्यू है इज
जिसमें स्लो स्टार्ट होता है और उसके बाद फास्ट हो जाता है, उसके बाद फिर स्लो हो जाता है, फिर लिनियर, इज इन इज आउट, इज इन और आउट, स्टेप स्टार्ट, स्टेप एंड, स्टेप्स और क्यूबिक बीजियर। ठीक है, तो अब आइए इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस एनिमेशन में लगा के। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इन्फिनाइट कर लेते हैं ताकि जो हमारा एनिमेशन है वो चलता रहे। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, और इसका जो सबसे पहला वैल्यू हमारे पास इज का, सेव करते हैं इसको। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें स्लो स्टार्ट होगा और फिर फास्ट हो जाएगा और फिर स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं स्टार्ट स्लो है और बीच में फास्ट हो जाता है और फिर स्लो हो जाता है। ठीक है, दूसरा है इज इन, इसमें सिर्फ स्टार्ट स्लो होगा, आप देख सकते हैं स्टार्ट स्लो हो रहा है, बाकी सब सेम है। और उसके बाद है इज आउट, इसका जो एंड होगा वो स्लो होगा, बाकी बीच में फास्ट ही रहेगा, यानी कि नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसके बाद है इज इन और आउट, इसमें आप देख सकते हैं स्टार्ट स्लो हो रहा है और अंत भी स्लो हो रहा है। ठीक है, अगला है लीनियर, लीनियर एक जैसा रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक ही जैसा है। इसके बाद है स्टेप स्टार्ट, यानी कि जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने स्टेप स्टार्ट लगाया तो अब इसमें एनिमेशन ही नहीं चल रहा है, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब है अगला स्टेप एंड, अब ये यहां से एनिमेशन नहीं चलेगा क्योंकि जहां तक खत्म होता है वहीं पर ये शुरू भी होता है, ये यहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी अब चेंजिंग नहीं हो सकता है। अगला है हमारे पास स्टेप्स। ठीक है, इसमें आप स्टेप को बता सकते हैं कि आपको कितना स्टेप में एनिमेशन को चलाना है। हम 4 लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 4 स्टेप में ये एनिमेशन को चला रहा है। फिर हमारे पास क्यूबिक बीजियर, इसमें आप अपने मनपसंद अनुसार आप इसमें ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं कि आपको कब और कितना स्पीड और स्लो चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं शुरू में स्लो और फिर हम बीच में फास्ट रखते हैं और फिर हम लास्ट में भी स्लो रखना चाहते हैं। ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बन गया, शुरू में स्लो है और बीच में फास्ट है और लास्ट में भी स्लो है। तो ये था कुछ एनिमेशन के बारे में। ठीक है,